पिपराइच थाना अंतर्गत के जंगल छत्रधारी में 31 दिसंबर की रात में हुई हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी नॉर्थ गणेश प्रसाद शाह ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि गुड्डू ने ही अपने छोटे भाई छोटू चौहान की गड़ासे से मारकर हत्या की थी। गुड्डू को शक था कि उसके भाई छोटू का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है, साथ ही प्रॉपर्टी का भी लालच हत्या की वजह बना। एसपी नॉर्थ ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त गड़ासा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी नॉर्थ ने बताया तिथि ये 31 की रात में किया था। 1 तारीख को 3 बजे सूचना मिली थाने पर, घर में वो सोया था, सोने में ही ये काट करके पत्नी की भूमिका अवैध संबंध का है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक हत्या का मामला आया था, मामले में तफ्तीश की गई तो गुड्डू चौहान जो मृतक का भाई है और मृतक शेरू चौहान की पत्नी के साथ इनके अवैध संबंध की बात प्रकाश में आई। इसी को लेकर दोनों भाइयों में मतभेद रहता था और मौके का फायदा उठा के इन्होंने इसकी हत्या कर दी। हत्या में जो प्रयुक्त हुए हथियार है, गड़ासा है, धारदार है, वो बरामद कर लिया गया। अभियुक्त भी फरार होने की चेष्टा में थे तो फिर पिपराइच के जो प्रभारी एसओ हैं उनके द्वारा टीम बनाकर प्रयास किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया।